देखिए, आज नामांकन किया है मैंने और गांडे विधानसभा की जनता से मैं यही अपील करना चाहूंगी, जिस तरीके का प्यार और विश्वास उन्होंने मुझे दिया था और एक जिम्मेदारी दी थी और इस 4-5 महीने के कार्यकाल को मैंने अपना 100% से ज्यादा दिया है और मैं ये कोशिश करूंगी कि मैं और काम करूँ। बस इसी की एक मैं आह्वान करना चाहती हूँ, जनता को अपील करना चाहती हूँ कि अपना प्यार, अपना आशीर्वाद ढेर सारा फिर से मुझे दीजिए और मुझे काम करने का दोबारा मौका दीजिए। कल्पना सर, जोहार है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद है। अब बधाई सर को भी दीजिए। आइए मैडम जी। मैडम चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का और ये चुनावी पर्व में नामांकन भी हो गया है और गांडे से मैंने और जमुआ से हमारे आदरणीय केदार हाजरा जी ने भी कर दिया है, तो बस अब हम लोग अपनी सभा के लिए आगे निकल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे गिरिडीह वाले भैया यहाँ नहीं है, लेकिन आज गिरिडीह से भी सुदीप्त सोनू जी ने भी कर दिया है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार के हमारे यहाँ पर में हम लोगों ने 3 सदस्यों ने, 3 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन किया है और सभी को यही कहना चाहेंगे कि हमारे जितने भी वोटर्स हैं और सभी को ये पर्व मनाना है और इसमें इतनी भागीदारी देनी है और अपना वोट सबको देना है, घर में किसी को नहीं देना है। स्लिप कारिंग का इलेक्शन में इस बार महिला बनाम महिला की लड़ाई है, गांडे से आपके विधानसभा सीट में क्या कहेंगी? देखिए, प्रतिद्वंदी को या कंपटीशन कह लीजिए, कंपटीशन तो हर 5 साल में होना ही है। उम्मीदवार हो सकता है, सेम भी रह सकते हैं, बदल भी सकते हैं। बस मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी थी और मैंने कम कार्यकाल अपने समय में जो पूरा किया है उसमें मैंने अपना 100% से ज़्यादा दिया है और मैं ये चाहूँगी कि और भी मुझे समय 5 साल का मिले, मेरी जनता ढेर सारा आशीर्वाद जैसे उन्होंने पहले भी दिया मुझे फिर से मौका दे और मैं उनके सपनों पे और उनके जो उन्होंने सोच रखी है, विश्वास रखा है, उस पर मैं जरूर करूँगा। मैडम, विपक्ष का कहना है कि जो विकास है वो सिर्फ शिलान्यास तक ही रुक गया। आप देखिए, मेरा कार्यकाल है ही कितने महीने का और अगर आप देख लीजिएगा गांडे में तो जितने नहीं आप पूरा गांडे में देख लीजिएगा तो जो विकास की गंगा यहाँ बही है और जो सड़कों का जाल और खास करके जो मैंने अपने बेंगाबाद में लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए विद्यालय खोलने का मैंने जो वादा किया था वो भी मैंने पूरा किया है और अभी आपको और विकास मिलेगा और झारखंड में आप गांडे को एक नए रूप में जरूर देखेंगे।